हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये जो वीडियो है वो है टैली प्राइम की। और टैली प्राइम में आपके लिए खास क्या है आज के इस वीडियो में, आइए दिखाता हूं। देखिए, यहां पर अगर आप कोई भी एंट्री पास करने जाते हैं तो सबसे पहले तो आप स्टॉक आइटम बनाते हैं, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे आपका वाउचर नंबर आ गया, फिर सप्लायर जो आपको बिल देगा उस पर एक इनवॉइस नंबर होगा जो कि सप्लायर द्वारा दिया गया होगा, उसको आप यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारा 433 है, 433 है और 1 अप्रैल को ही ये खरीदारी हो रही हो, ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आता है। तो लेजर कैसे बनाते हैं, हम ऑल्ट सी करके लेजर बना लेते हैं। तो ऑल्ट सी करके बनाते हैं तो यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी का नाम है मॉर्निंग होलसेल शॉप, ठीक है, ये हमारे क्रेडिटर पार्टी का नाम है, ठीक है। तो ये लिख दिया, एंटर किया और इसका ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर होगा। तो ग्रुप हमेशा सही सेलेक्ट कीजिएगा, गलत करिएगा तो सारा एंट्रीज आपकी गलत हो जाएंगी और ऐसे में आपको बहुत दिक्कत आएगी। बाकी सारी चीजें एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। और ये जो डिटेल आपको दिख रही है रिसिप्ट डिटेल में, रिसिप्ट नोट नंबर, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, डेट है, डिस्पैच थ्रू है। डिस्पैच थ्रू का मतलब कि आपका सामान अगर जा रहा है, ठीक है, सेल हो रहा है या जो कुछ भी है परचेज हो रहा है तो किस चीज से आ रहा है या जा रहा है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आती है, ठीक है। मोटर अगर गाड़ी से आ रहा है सामान, जैसे आपने देखा होगा अमेजोन से सामान, बड़े बड़े सामान जब ऑर्डर किए जाते हैं तो गाड़ी, बड़ी सी गाड़ी आती है उसमें सारा सामान आता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर उस मोटर व्हीकल का नंबर वगैरह डाल देना है। तो फिलहाल हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं और यहाँ पर आपका आता है जो होलसेलर पार्टी है हमारी जिसका नाम है मॉर्निंग होलसेल शॉप, ये जो होलसेलर पार्टी है इसी का GST IN नंबर आएगा। तो फिलहाल हम इसे अवॉइड करते हैं और यहाँ पर क्या आता है बेटा, यहाँ पर आता है परचेज का लेजर। तो यहाँ पे आप परचेज का लेजर लगा दीजिएगा, PURCHASE, तो ये हो गया परचेज और यहाँ हो गया ये ऑब्लिक सी अकाउंट, एंटर करेंगे और यहाँ पी प्रेस करेंगे तो ये परचेज का जो है ग्रुप आएगा। तो ये परचेज का ग्रुप आ गया, एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया और यहाँ पर जैसे ही एंटर करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम बनाने की बात आती है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, स्टॉक आइटम बनाना तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है स्टॉक आइटम बनाने में। तो क्या करते हैं आप, सीधा सीधा ऑल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं, ये शॉर्टकट की है, ठीक है। तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस किया और स्टॉक आइटम बनाने वाले विंडो पर हम आ गए, ठीक है। अब यहां बात करते हैं शुगर की, ठीक है, शुगर ले लिया हमने और यहाँ पे ग्रुप हम प्राइमरी ही रख देते हैं, आप चाहे तो इसमें ग्रुप भी बना सकते हैं लेकिन फिलहाल ये वीडियो यूनिट को लेकर के है। तो यहाँ पर जो है क्रिएट आता है, तो अब क्रिएट में चलते हैं और यहाँ पे एक यूनिट बना लेते हैं। तो यूनिट का नाम हमने दे दिया KG और इसका पूरा नाम क्या होता है बेटा, किलोग्राम होता है, ये ना होता है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही केजी करेंगे ना तो किलोग्राम आ जाएगा। और आप क्या करते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो ये गलती आप जरूर करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे जीरो रख देते हैं। अब जैसे ही आप जीरो रखेंगे तो जीरो रखने का मतलब क्या निकलेगा, जीरो रखने का मतलब ये निकलेगा कि आप डेसिमल वैल्यू एंटर ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है, एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे इसे एक्सेप्ट कराएंगे। तो ये एक्सेप्ट हो गया आपका। अब यहाँ पे शुगर लिखा हुआ आ रहा है, आपको दिख ही रहा है क्वांटिटी। जैसे ही आप चाहते हो कि आप किसी 5.5 किलो जो है परचेज किया आपने, जैसे मान लीजिए 5.5 किलो 5.5 किलो परचेज किया आपने, 5.5 लिखते हो तो ये 6 हो जाता है, ठीक है। अगर आप 5.4 लिखते हो, ठीक है, तो ये 5 हो जाता है। अब समस्या यहां पर आपकी खड़ी हो जाती है, आप अब पॉइंट में एंटर ही नहीं कर पाते हो। तो ये दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आपने कहां गलती करी है उसको समझ लीजिए। यहां से पहले बाहर आ जाइए, बाहर आने के लिए क्या करना पड़ता है, बाहर आने के लिए हमें एस्केप बटन प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। तो एस्केप बटन आपको प्रेस करना है, तो एस्केप बटन कहां होता है, एस्केप बटन आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में होता है। तो यहां से एस्केप बटन एक बार दबाया, ये देखिए क्विट वाली विंडो आ गई, फिर दूसरी बार दबाया तो यहां से बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद क्या करना है, बाहर आने के बाद अल्टर पे चलना है और हमें क्या करना है, अपने स्टॉक आइटम को अल्टर करना है। ये स्टॉक आइटम है हमारा, इसको अल्टर करते हैं और यहाँ पे नीचे आते हैं। तो ये केजी आपको दिख ही रहा है, ये हमने यूनिट बनाते समय गलती करी है, तो यहाँ पर हमें यूनिट में ही चलना होगा। तो यहां से यूनिट में आ जाते हैं और ये हो गया। तो यहां पर जैसे ही आते हैं ना तो यहां पर जितना आप डेसिमल प्लेसेस देंगे उतना आप एंटर कर पाएंगे डेसिमल में भी, ठीक है। तो जैसे हमने 2 दे दिया, अब देखिए ये हमने सही कर दिया, इसको कंट्रोल किया, ये सब एक्सेप्ट हो गया, एंटर किया, एंटर, यहां से बाहर आए और बाहर आने के बाद अब हम एंट्री पास करते हैं, वही एंट्री अब पास करते हैं। तो यहां पर आए, यहां पर मान लीजिए सप्लायर का इनवॉइस नंबर है, यहां पर 433 था तो वो डाल दिया हमने और यहां पर वो डेट आएगी जिस डेट पर होगी परचेजिंग, ठीक है। और किससे आपने परचेज किया है, तो क्रेडिटर पार्टी है, सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर पार्टी का ग्रुप क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहां मॉर्निंग स्टोर है और अब एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइए, एंटर करिए एंटर। अच्छा, टैली में आप लास्ट तक एंटर 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 नहीं करोगे तब तक वो एक्सेप्ट नहीं होता है। और यहाँ पे आप एड्रेस डाल सकते हैं, फिलहाल मैं अवॉइड करता हूँ और यहाँ पे परचेज अकाउंट आ गया। अब वही चीज शुगर लेते हैं, अब यहाँ पर 5.5 एंटर करते हैं, तो देखिए अब ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये दिक्कत आ सकती है और ये काफी बड़ी दिक्कत है, तो अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है।
इस तरीके से आप जाकर के आप एक्सेप्ट करा लीजिए। अगर आप जीएसटी लगाना चाहते हैं तो जीएसटी भी चालू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये यूनिट वाली बात आपको समझ में जरूर आई होगी। अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है।